हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड़के के कैसे एटीट्यूड से लड़की खुद ही इम्प्रेस हो जाते हैं। देखो, टॉपिक सुन के मोस्टली लड़कों को ऐसा लगता होगा कि ऐसे सोचते होंगे कि लड़की को अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। पर क्या कॉन्फिडेंस से सिर्फ लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी? नहीं ना। देखिए, कॉन्फिडेंस के अलावा भी आपके एटीट्यूड में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो किसी लड़की को अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी कि कौन सी है वो छोटी छोटी बातें जो आपके एटीट्यूड में जरूर होनी चाहिए, और अगर आप में होती हैं तो उसके ज्यादा चांस होंगे कि आपके इस एटीट्यूड से लड़की खुद ही आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। आपको उसे इम्प्रेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, अपने आप ही वो इम्प्रेस हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को एंड कर देखो, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, सबसे पहली जो बात है कि आपको अपने मन की आवाज सुननी है। देखो, अब थ्री इडियट किस किसने देखी है कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो, उसमें क्या होता है कि वो शर्मन जोशी का जो जॉब इंटरव्यू होता है उसमें उसमें उस हीरो का एक अलग एटीट्यूड होता है कि वो जॉब के लिए जो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लोग बैठे होते हैं, ठीक है, उनकी हाँ में हाँ नहीं कहता, और एंड में वो बोलते भी है कि बहुत से लोग देखे हैं जो जॉब पाने के लिए हमारी हाँ में हाँ करते हैं। तो जो उस हीरो का जो एटीट्यूड था, अक्सर लड़कियों को भी ऐसा ही एटीट्यूड पसंद आता है कि लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप उसकी हाँ में हाँ नहीं करें, ठीक है। ऐसे बहुत से लड़के होते हैं कि जिनको लड़की को इम्प्रेस करना होता है तो क्या हाँ में हाँ करने लगते हैं। बेशक उनको अपने मन से ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार, ये चीज गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से हाँ कर देते हैं कि लड़की इम्प्रेस हो जाए, उसको बुरा ना लगे। तो आपके एटीट्यूड में ये चीज होनी चाहिए कि जो आपको गलत लग रहा है उस चीज को आप गलत बोलो, ठीक है। जरूरी है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आप अपने मन से बाहर काम करने लगो, जो आपका मन गवाही भी ना दे वो चीज भी करो, ठीक है। तो ऐसे एटीट्यूड से बहुत जल्दी लड़कियां आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। जो चापलूसी टाइप की नहीं करते, चमचागिरी नहीं करते, अक्सर उनके लड़कों के बारे में लड़कियां यही सोचती हैं कि चमचागिरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज है कि आपका जो टॉकिंग भी है आपके एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा ओवर एटीट्यूड होता है, तो ओवर एटीट्यूड भी नहीं चलता है लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए, और ज्यादा लो भी नहीं चलता। तो ओवर जो एटीट्यूड रखे कैसे कि देखो, अगर कुछ लड़कों में ओवर एटीट्यूड होता है तो क्या वो चीज उनके टॉकिंग में, उनके बातचीत करने में ही दिख जाती है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा रूढ़ी तरीके से बात करते हैं कि ऐसे लड़के आपने देखे भी होंगे कि वह उठे ना, ठीक है, और वही ये चीज बोले जैसे आप उठे दे। तो जो टोन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी लड़की का ध्यान आपकी तरफ खींचने के लिए, ठीक है, उसकी पसंद बनने के लिए, क्योंकि लड़कियां ये चीज भी नोटिस करती हैं कि आप किस तरीके से बातचीत करते हो, आपके सामने जो भी इंसान है, ठीक है, आपको आप उसे किस तरह से बात करते हो, उसको कैसे ट्रीट करते हो, ठीक है। इसके अलावा अगला काम है कि आप अच्छा करियर बनाने की कोशिश करो। देखो, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी काम धंधा नहीं करते हैं, ठीक है, उनको बस मौज मस्ती करनी होती है। तो उन लड़कों का ना बाद में जाके कोई फ्यूचर नहीं होता है। थोड़े टाइम के लिए लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी, मौज मस्ती करेगी और फिर उनको ड्रॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है कि जो उसकी जरूरतें पूरी कर सके, ठीक है, उसको लाइफ में वो सारी चीजें दे सके, ठीक है, जिसके साथ वो अपनी लाइफ अच्छी बनाए, ठीक है। अगर आप अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए सीरियस हो, ठीक है, अच्छा करियर बनाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो लड़की को अगर ऐसा लगता है ना कि आप इस फील्ड में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, तो इससे लड़की को कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी इम्प्रेस कर लोगे, क्योंकि आपका अच्छा करियर, ठीक है, आपका फोकस अगर करियर पे है तो कहीं ना कहीं ये आपके एटीट्यूड पे चार चांद लगा देता है, ठीक है। लड़की खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि सभी लड़कियां मोस्टली आज के टाइम में सभी जो लड़कियां होती हैं वो लड़के का स्टेटस और उसकी सैलरी सबसे पहले देखती हैं कि लड़का कितना कमाता है, सोसाइटी में उसकी इज्जत क्या है, ये चीज लड़कियां जरूर नोटिस करती हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड की बात हो या फिर मैरिज की बात हो, ठीक है, जरूर देखती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हो तो भी काफी हद तक आपको एक लड़की को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लड़की खुद ही इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसे लाइफ में ऐसा ही पार्टनर चाहिए। इसके अलावा आपकी एटीट्यूड में ये बात भी होनी चाहिए कि आप लुक वाइज भी कुछ हो। देखो, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, ठीक है, जो जिनका लुक
कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर एटीट्यूड होते हैं। तो ऐसे लड़कों को देखकर पता है लड़कियां क्या सोचती हैं? शक्ल न सोच, एटीट्यूड देखो कितना ज्यादा भरा पड़ा है। तो वो उनके पीठ पीछे ऐसा बोलती है, ऐसे लड़कों से बातचीत नहीं करना चाहती। तो इसलिए आपके एटीट्यूड के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो ड्रेसअप है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो। ठीक है, कैसे कपड़े का मतलब ये नहीं कि आप खराब कपड़े पहनते हो, ठीक है, फटे पुराने पहनते हो, कैसे मतलब कि आप ऐसे पहनो जो आप पर अच्छे लगते हो। ठीक है, जिसने जिसको पहनकर आपको खुशी महसूस होती, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी लड़की के दिल में जगह बनाने के लिए, उसके कहने पे आप वो चीज मत करने लगो। ठीक है, जो आपको पसंद नहीं है वो भी आप पहन रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी, जो भी आप पहनते हो, वो काफी हद तक आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, लड़की का ध्यान आपकी तरफ खींचने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा आपके एटीट्यूड में ये चीज भी होनी चाहिए कि जब भी कोई लड़की आपसे बात कर रही हो, ठीक है, तो आप उसको सुनना पसंद करो। ठीक है, लड़कियां हमेशा इस चीज का ध्यान रखती हैं कि जब वो एक लड़के से बात कर रही है तो लड़का उनकी बातों को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा सुन रहा है। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको सिर्फ बोलना बोलना होता है, ठीक है, वो अपने ही बोले जाते हैं, अपने ही बोले जाते हैं, लड़की को सुनते ही नहीं है, उसको बोलने का मौका ही नहीं देते। तो जब आप लड़की को सुनना पसंद करने लगोगे तो आपका ये जो बिहेवियर है ये लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड बेसिकली होता है क्या है कि आप जिस स्वभाव, जिस नेचर के इंसान हो, ठीक है, ये चीज होती है, लड़कियां नोटिस करती हैं आपका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे स्वभाव के साथ किसी लड़की से बात करें, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है, ये चीज लड़कियां जरूर देखती है। इसके अलावा देखो, आपके एटीट्यूड में थोड़ा सा फ्रैंक नेचर भी होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ना हर स्मोक टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं, जो खुश मिजाज टाइप के होते हैं। ठीक है, लड़कियों को हंसाना और खुश रहना जानते हैं। तो ये जो चीजें हैं एक लड़की को आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। अगर आप हंसाना जानते हो, छोटी छोटी चीजों को लेकर छोटे छोटे मूवमेंट क्रिएट करते हो कि अगर एक लड़की आपके साथ बैठी हुई है ना, तो वो आपसे बात करते समय ना बोर नहीं होगी। ऐसा स्वभाव अगर आपका है, ऐसा नेचर अगर आपका है, ठीक है, कि आप उसको हमेशा खुश रखोगे, हंसाते रहोगे, ठीक है, तो लड़की आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। क्योंकि लड़कियां ये चीज देखती हैं कि जो लड़का उनको खुशी दे, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं, खुश रहती हैं, तो उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना, उनके साथ बातें करना उनको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। वो उन्हीं से बात करना पसंद करती है, उन्हीं के टच में रहना पसंद करने लगती है। इसके अलावा अगला जो चीज है जो आपके एटीट्यूड में जरूर होनी चाहिए कि आप थोड़े से केयरिंग नेचर के हो। देखो, अगर आपका स्वभाव थोड़ा सा केयरिंग नेचर का है, ठीक है, आप दूसरों की फिक्र करते हो, जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ जाते हो आपको उसकी फिक्र होने लगती है, उसकी चीजों को लेकर, उस इंसान को लेकर, ठीक है, तो इस नेचर के लड़के जो है ना मोटी लड़कियों को बहुत जल्दी पसंद आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर के ही सपने देखते हैं कि उनका पार्टनर उनकी केयर करे, थोड़ा सा केयरिंग नेचर का हो, जो उनको समझे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे। ठीक है, और अगर उनको ऐसे लड़के दिख जाते हैं ना, कि अगर वो लड़के से बात करते हैं तो लड़का कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर का है, ठीक है, लविंग बेशक हो या ना हो, लेकिन अगर केयर कर रहा है तो मेरे भी चांस होते हैं कि लड़की को वो लड़का काफी अच्छा लगने लगता है। एक टाइम के बाद वो उसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, उसको पसंद करने लगती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका एक तरह से ऐसा एटीट्यूड कि आप कभी भी किसी के पीछे नहीं भागते हो। ठीक है, लड़की आपसे नहीं इंप्रेस हो रही है तो बाहर में जाओ, उसने आपको मना कर दिया ना, तो आपको उसके आप उसके पीछे नहीं भागते हो कि बार बार उसको मनाने जा रहे हो, बार बार उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। तो ये चीज आपके नेचर में नहीं है कि हर एक लड़की भी आप इंप्रेस करने की कोशिश करते हो हर लड़की को। ठीक है, तो ये बात अगर आपके एटीट्यूड के अंदर नहीं होती है तो मे भी चांस होता है कि लड़की जो है आपको पसंद करने लगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे लड़कों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, उनको लगता है कि ये लड़का जो है एक रिलेशनशिप में लॉयल रहेगा, क्योंकि ये हर एक लड़की के पीछे भागता नहीं है, हर एक लड़की भी ट्राई नहीं करता कि कोई तो बच जाए। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं एक लड़की को आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, और इन चीजों को देखकर लड़की आपसे इंप्रेस हो जाती है। तो आज की वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि लड़के के कैसे एटीट्यूड से लड़की खुद ही इंप्रेस हो जाती है, आपको उसे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।